हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ वीकली न्यूज, जहां पे आपको मिलेंगे वीकली अपडेट्स फ्रॉम इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। लेकिन वीडियो को शुरुआत करने से पहले सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको सारे नए अपडेट्स सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहली न्यूज जो है वो आ रही है पियाजियो इंडिया की तरफ से। पियाजियो ने अपनी वेस्पा स्कूटर्स के VXL और SXL 2020 वेरिएंट को लॉन्च कर दिया है। ये दोनों भी गाड़ियां आपको दो इंजन ऑप्शन के साथ मिलेगी, 125cc और 150cc इंजन के साथ। इसमें आपको BS6 इंजन मिलेगा। अगर प्राइसेस की बात करें तो वेस्पा SXL आपको आएगी 1,14,000 एक्स शोरूम प्राइस के साथ, और वहीं पे VXL 125 आपको आएगी 1,10,000 के एक्स शोरूम प्राइस के साथ। अगर 150cc इंजन में देखें तो VXL और SXL आपको कॉस्ट करेंगी 1,22,000 एक्स शोरूम और 1,27,000 एक्स शोरूम रिस्पेक्टिवली। 125cc वेस्पा में आपको मिलेगा 124.45cc इंजन जो प्रोड्यूस करेगा 7.3 किलोवाट ऑफ पावर एंड 9.6 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। वहीं पे 150cc स्कूटर में आपको मिलेगा 149.5cc इंजन जो प्रोड्यूस करेगा 7.7 किलोवाट ऑफ पावर एंड 10.6 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। वेस्पा ने ऑलरेडी दो हफ्ते पहले अपनी स्कूटर्स की प्री बुकिंग स्टार्ट कर दी थी। आप ₹2,000 के बुकिंग अमाउंट के साथ वेस्पा स्कूटर्स को बुक कर सकते हैं। सेकेंड न्यूज जो हमारे पास आ रही है वो है एप्रिलिया इंडिया की तरफ से। एप्रिलिया ने अपनी 125cc स्टॉर्म स्कूटर को लॉन्च कर दिया है जो अभी BS6 कंप्लायंट इंजन के साथ आएगी। एप्रिलिया स्टॉर्म 125 स्कूटर अब दो वेरिएंट में अवेलेबल है, जिसमें नॉन डिस्क वेरिएंट आपको आएगा 87,059 रुपीज के एक शोरूम प्राइस टैग के साथ। वहीं पे आपको डिस्क वेरिएंट आएगा 92,613 रुपीज के एक शोरूम प्राइस के साथ। स्टॉर्म 125 में आपको सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक एयर कूल BS6 कंप्लायंट इंजन है जो प्रोड्यूस करता है 7.30 किलोवाट की पावर को और 9.6 न्यूटन मीटर की टॉर्क को। आप ₹2,000 के बुकिंग अमाउंट के साथ एप्रिलिया स्टॉर्म 125 को ऑनलाइन बुक कर सकते हो। आज की थर्ड न्यूज जो टू व्हीलर मार्केट से आ रही है वो है चेन्नई बेस्ट मैन्युफैक्चरर TVS की तरफ से। TVS ने अपनी स्कूटी जेस्ट का BS6 वेरिएंट लॉन्च कर दिया है। न्यू TVS जेस्ट आएगी ETFI सिस्टम के साथ, जिसका मतलब है इको थ्रस्ट फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी के साथ। ये स्कूटर दो वेरिएंट के साथ अवेलेबल है, जिसमें कि स्कूटी जेस्ट मैट सीरीज आपको कॉस्ट करेगी 59,850 रुपीज एक शोरूम, और स्कूटी जेस्ट हिमालयन हाई सीरीज कॉस्ट करेगी 59,100 रुपीज एक शोरूम। स्कूटी जेस्ट में आपको 109.7cc BS6 कंप्लायंट इंजन आएगा जो प्रोड्यूस करेगा 5.88 किलोवाट ऑफ पावर एंड 8.4 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। So, दोस्तों ये थी आज की टू व्हीलर्स की न्यूज। अब देखते हैं फोर व्हीलर्स में क्या क्या नए लॉन्चेस हुए हैं। सबसे पहली न्यूज जो हमें फोर व्हीलर में मिल रही है वो है हुंडई इंडिया की तरफ से। हुंडई ने अपनी वेन्यू कॉम्पैक्ट कार में IMT गियरबॉक्स को लॉन्च कर दिया है विद 1 लीटर टर्बो GDI इंजन। जैसे कि हमने कुछ वीक पहले देखा था, IMT एक क्लचलेस मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम है जिसमें एक इंटेंशन सेंसर की मदद से ट्रांसमिशन कंट्रोल यूनिट क्लच को ऑपरेट करता है जो सेंस करता है ड्राइवर कब गियर चेंज करने वाला है। IMT के साथ आपको एक 2-पेडल ड्राइविंग एक्सपीरियंस मिलेगा विद मैनुअल गियर शिफ्ट। इसी के साथ हुंडई ने अपनी SX, SX प्लस और SX ऑप्शन वेरिएंट में स्पोर्ट्स स्ट्रीम को लॉन्च कर दिया है। स्पोर्ट्स स्ट्रीम बेसिकली एक कॉस्मेटिक अपग्रेड है। स्पोर्ट्स स्ट्रीम में आपको मिलेगा ड्यूअल टोन एक्सटीरियर कलर ऑप्शन, ग्लॉस ब्लैक ग्रिल विथ रेड इंसर्ट, डार्क ग्रे रूफ रेल्स, रेड ब्रेक कैलिपर्स एंड रेड एक्सेंट ऑन एक्सटीरियर। स्पोर्ट्स स्ट्रीम में आपको मिलेगा 1 लीटर टर्बो GDI इंजन इन पेट्रोल जो प्रोड्यूस करेगा 120 PS ऑफ पावर एंड 170 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क, एंड कम्स विद ऑप्शन ऑफ 7-स्पीड DCT, 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन एंड IMT ट्रांसमिशन। उसके साथ आपको डीजल में मिलेगा 1.5 लीटर U2 CRDI इंजन जो प्रोड्यूस करता है 100 PS ऑफ पावर एंड 240 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क, जिसमें आपको मिलेगा 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स। नेक्स्ट न्यूज जो आ रही है वो है मारुति सुजुकी की तरफ से। मारुति सुजुकी नेक्सा ने अपने इग्निस के जेटा वेरिएंट में स्मार्ट डिस्प्ले इंफोटेनमेंट सिस्टम को ऐड कर दिया है। इस अपडेट के साथ इग्निस जेटा वेरिएंट की कॉस्ट ₹7,000 से बढ़कर हो गई है 6.4 लाख एक्स शोरूम। इग्निस जेटा वेरिएंट आपको बोथ मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ अवेलेबल है। अपडेट की बात करें तो टाटा मोटर्स ने भी अपनी अल्ट्रोस गाड़ी के XT वेरिएंट में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल को अपडेट कर दिया है, यानी कि अब टॉप वेरिएंट XZ और XZ ऑप्शन के साथ साथ आपको XT वेरिएंट में भी ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाएगा। अल्ट्रोस XT ट्रिम का एक्स शोरूम प्राइस जो है वो है 6.84 लाख फॉर पेट्रोल वर्जन एंड 8.44 लाख फॉर डीजल वेरिएंट। अपडेटेड वर्जन में आपको किसी भी तरह का प्राइस हाइक नहीं मिलेगा। तो ये थी कुछ नई कार और बाइक्स की लॉन्चेस। लेकिन दोस्तों ये वीडियो को खत्म करने से पहले एक और न्यूज जो है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, वो है द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके तहत सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स में कुछ और नए रूल्स जो है वो ऐड किए हैं।
अब ये रूल्स कौन से हैं? तो जो भी मोटरसाइकिल पिलियन राइडर की कैपेसिटी के साथ आती है उसको अब पिलियन ग्रैब रेल्स और पिलियन फुटपेथ का होना कंपलसरी कर दिया है। एज पर न्यू रूल्स अगर आप कंटेनर ऐड करते हो अपनी मोटरसाइकिल पे तो वो कंटेनर लेंथ में 550 मिलीमीटर, विड्थ में 510 मिलीमीटर और हाइट में 500 मिलीमीटर से ज्यादा नहीं हो सकता। और कंटेनर में ऐड किए गए सामान के साथ और ब्रैकेट के साथ उसका वजन 30 किलोग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर फोर व्हीलर्स की बात करें, M1 कैटेगरी के व्हीकल में जहां पे एक पैसेंजर मैक्सिमम अलाउड है वहां पे कंपनीज को अगर ट्यूबलेस टायर दे रहे हैं तो एडिशनल स्पेयर टायर देने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके बदले उन्हें एज अ स्टैंडर्ड टायर रिपेयर किट जिसमें कि होगा टायर इन्फ्लेटर और टायर सीलेंट और साथ में होना चाहिए टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, अगर ये दो चीजें हैं तो उनको स्पेयर व्हील देने की जरूरत नहीं है। उसी के साथ नए नॉर्म्स जो है वो लागू हो जाएंगे क्वालिटी एंड टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस ऑफ विंडस्क्रीन ऑफ व्हीकल्स, और ये सारे रूल्स जो है वो 1 अक्टूबर 2020 से लागू हो जाएंगे। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ एक्साइटिंग खबरें, आप भी बताइए कि आपको ये नए रूल्स के बारे में कैसे लगा और कमेंट डाउन कीजिए आज के इस नए लॉन्चेस में आपको कौन सी गाड़ी जो है वो सबसे ज्यादा पसंद आ गई। इसी के साथ मैं ये वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूँ, मिलते हैं अगले वीकली न्यूज के वीडियो में, तब तक मैं प्रसाद सावंत आपसे अलविदा लेता हूँ, बाय बाय, टेक केयर एंड राइड सेफ।